काफी देर तक बैठे रहे, तो प्लीज बैठ जाइए, रिक्वेस्ट है। समय से हो रहा है, ये एक आम घटना नहीं है। बचपन में एक बच्चा 5 रुपया भी अगर चोरी करता है तो जीवन भर उसके ऊपर चोर का टैग लग जाता है, उसको चोर कहते हैं, चोर, उसको चोर करके संबोधित करते हैं। अगर आपने चोरी की है, आपने पेपर बेचे हैं, आपने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो इस चोरी के लिए आपको इतनी जल्दी तो माफ नहीं किया जा सकता। जब तक आप कुछ पर्याप्त स्टेप उठाएं, कदम उठाएं, जब तक कोई सशक्त कदम इसके खिलाफ नहीं उठेंगे और ये चोरों के गिरोह इसी तरीके से आपको लूटते रहेंगे। ये लूट कभी खत्म नहीं होगी, ये लूट आपके अंदर बस गई है। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार कहा था कि जीतना एक आदत होती है, ऐसे ही भ्रष्टाचार भी एक आदत है, तो तुम्हारे रगों में चला गया है। तुम इस बुराई से सारे लोग घिर चुके हो, तुम इस बुराई से सारे लोग व्याप्त हो गई है, बुराई सबके बीच में बुराई व्याप्त हो गई है। अगर इस लड़ाई में आप लोगों का साथ नहीं मिला तो आने वाले समय में आपके बच्चे इस शहर को छोड़ के जाएंगे, गांव खाली होंगे, शहर खाली होंगे, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड खाली हो जाएगा। यहाँ बचेंगे तो पर्वत, पत्थर, मकान और यहाँ पर भूतिया घर। क्या भूतिया घर बनाना चाहते हो? यहाँ पर आंदोलन के लिए हमारे साथ रहिए। मैं UKPSC का एस्पिरेंट हूँ, मेरी फोटो अभी सोशल मीडिया में आएगी, वायरल भी हो सकती है। आने वाले समय में लोग कहते हैं इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होती है, होने दो, मेरा करियर बर्बाद हो जाने दो, मुझे बेरोजगार रहने दो, लेकिन मैं इन व्यवस्थाओं को फाड़ सकूंगा।
आज यहाँ पर कसम खाता हूँ कि एक एक बच्चा, एक एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और ये हमारा संघर्ष चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और हम इसके लिए जो भी कदम हमें भविष्य में उठाने होंगे हम उठाएंगे। और मुझे मालूम है कि लोग बुजदिल जरूर हो सकते हैं, कायर जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके अंदर एक कायरता टूटेगी, एक दिन आप सड़कों पे आएंगे और हमारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे। जय उत्तरा।